और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। योगेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि आप जिस जगह मौजूद हैं वहां पर पोलिंग बूथ पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितने फीसदी अभी तक मतदान हुआ है? देखिए, पहले चरण की जो 12 सीटें हैं राजस्थान में, उन पर आज वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी, लगभग 12:30 बज चुके हैं और अब तक जो अपडेट आया है, यानी 12:15 बजे तक का जो अपडेट पूरे राजस्थान भर से आया है, उसमें लगभग 23% अब तक वोटिंग हुई है। अगर बात करें अलग अलग सभी 12 सीटों की, तो सबसे ज्यादा 27.70% जो गंगानगर सीट है वहां पर वोटिंग हुई है, जबकि सबसे कम वोटिंग झुंझुनू में हुई है। अगर जयपुर की ही बात करें, जहां मैं हूं जयपुर में, लगभग 26.48% यहां पर वोटिंग हुई है, जबकि ग्रामीण में इसका जो प्रतिशत है वो कम रहा है, केवल 22% 12:15 बजे तक वोटिंग हो पाई है। और यहां पर आप देख सकते हैं जयपुर के सूरजपोल जो दवाखाना है, मतदान केंद्र है, यहां पर भले ही धूप है, लेकिन हालांकि निर्वाचन विभाग की तरफ से व्यवस्था भी की गई है, लेकिन लोगों में उत्साह देखा जा सकता है। योगेंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत, हम बात करने का भी प्रयास, योगेंद्र जैसा कि आप कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा, तो वजह क्या रही, मतदाताओं को किस बात की नाराजगी अभी है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया, लेकिन फिर भी अभी वोटिंग प्रतिशत आप जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत कम रहा, आधे से ज्यादा का समय अभी बीत चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और अभी मतदाताओं में मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा, ऐसा क्यों? देखिए, लोकसभा का चुनाव है और 7 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद से ही लगातार जो उत्साह है देखा जा रहा है। हालांकि धूप भी हो चुकी है और जो वोटों परसेंटेज अब तक देखा गया वो अभी, क्योंकि अब 6 बजे तक है, लगभग 5.5 घंटे की अवधि अभी बची हुई है, और क्योंकि धूप है और अन्य कई अव्यवस्था भी कई जगह होती है, लेकिन फिलहाल निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम पुख्ता व्यवस्था यहां पर की गई है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो लोग हैं उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ मुद्दे अक्सर रहते हैं, आप यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा नेता आपको चाहिए? जी, नेता तो हमें ऐसा चाहिए जी, हमारे काम होने चाहिए और हमें फ्यूचर की वो होनी चाहिए कि हम टेंशन न लें और हमें वो करें। मुद्दों की अगर बात करें तो अक्सर क्या रहती है, तो आप चाहते हैं कि ऐसा आपका सांसद हो जो आपकी बातें सुने, आपकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण? जी जी बिल्कुल, हमारी बातें सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हमारी बातें सुने, हमारे मसलों को समझे और उनका सोल्यूशन दे। सिर्फ बोलने वाला नेता नहीं चाहिए हमें। और मसले क्या है, करने इनसे पूछिए कि इनके मसले क्या है। सबसे ज्यादा कचरे का मुद्दा भी है, जगह जगह जहाँ पर कचरे डिब्बो बने हैं वहाँ पर कचरा पड़ा रहता है, वहाँ पर भी बहुत गंदगी होती है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का भी है, ट्रैफिक भी बहुत रहता है, इसलिए ऐसे नेता चाहिए जो आगे बढ़कर इन समस्या को सुलझाएं। रिपोर्ट में निकलते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि गंदगी रहती है, जाम की स्थिति रहती है, छोटे चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक जाने में भी 15 मिनट लग जाती है। वो इसलिए क्योंकि जगह छोटी जगह हो गई, सड़कें भी छोटी हो गई, इसलिए एलिवेटर की वजह, ट्रैफिक की वजह से ई रिक्शा भी ज्यादा होगा, इस वजह से उनमें परिवर्तन भी करें धीरे धीरे। ई रिक्शा तो काफी चुनौती है। हाँ, ई रिक्शा बहुत चुनौती है क्योंकि उनकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा रहता है, जहाँ पर पहुँचने में 5 मिनट लग जाते हैं उनकी वजह से 15 मिनट लग जाते हैं उसी जगह पहुँचने में, इसलिए। योगेंद्र, आप मतदाताओं से ये भी पूछिए कि ये जो आज लंबी कतारें लगाकर मतदान करने आए हैं, ये किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग लोग हैं, उनसे हम, क्योंकि मतदाता हैं और अपना जनप्रतिनिधि लोग खुद अपना वोट देकर चुनते हैं, आप भी वोट देने के लिए आए हैं, क्या सोचकर आए हैं कि आपका नेता कैसा होना चाहिए जो देश को आगे ले जाए, देश की उन्नति हो? आप क्या चाहते हैं? क्या अगर मुद्दों की बात करें तो अक्सर आप किन समस्याओं से दो चार होते हैं? नहीं, अभी तो अभी कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं लगा कोई समस्या है, सभी समस्याएं बहुत अच्छे से सुलझाई जा रही है।
अपनी अपनी जगह, समय तो लगता ही है, समस्या का समाधान हो रहा है, सुनवाई हो रही है। आगे कैसे होगी? आगे जो हमारा नेता अच्छा होगा उसी हिसाब से होगी ना। आप ये भी चाहते हैं कि नेता हैं, लोगों से उनका जुड़ाव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि नेता जीतता है उसके बाद फिर 5 साल तक नहीं जुड़ाव तो है ना, ये भी तो जनता की समस्या का समाधान होगा, जुड़ाव ही नहीं होगा तो समाधान का कैसे होगा, जुड़ाव जरूरी है, जुड़ाव जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आप बात करेंगे? तो कुछ और लोग मेरे यहाँ साथ भी हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, कैसा होना चाहिए आपका नेता और क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं? देखो नेता, हम तो मोदी के चेहरे पे वोट देते हैं, क्या राम मंदिर बना दिया और क्या चाहिए हमें, सब कुछ मस्त है। विकास की अगर बात करें तो सफाई, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है जो अभी अभी आके गए, एक तो मेरी शिकायत है चुनाव आयोग पे कहना चाहिए कि यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक है ये अभी अंदर जाके आए हैं तो अंदर से अलाउ कैसे कर दिया, ये मेरा सवाल है चुनाव आयोग से। अभी आपने भी देखा होगा यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, व्यवस्था भी है, कितना समय हो चुका है? मैंने सर 2 घंटे हो गए मेरे को लाइन में लगे हुए और बीच में लोग बाग लग रहे हैं इतने, उसके कोई वो पहले सिक्योरिटी के लिए फिर भी खड़े थे, अब तो सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, किसको बोले यहाँ पर, बस यही है और तो कुछ नहीं। वोट डालने के लिए आए हैं, आपको कैसा नेता चाहिए? जयपुर के स्थानीय मुद्दे पूछिए योगेंद्र, यहाँ पर जो भी विकास करवाया है 400 पार करवाएंगे अपने वर्ण को बस। देखिए अलग अलग लोग हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनका चेहरा है। सर आपसे बात करें, कौन से क्षेत्र से हैं आप? आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, क्या है यहाँ की आपकी समस्या, आपके क्षेत्र की समस्याएं, आप चाहते हो कि आपका सांसद आपकी बातें सुने? सर यहाँ पे केवल बेरोजगारों की बात करें, बेरोजगारों की कोई बात नहीं होती है, न कोई रोजगार की बात हो पा रही है और न ही कोई यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है अभी तक। किस तरीके का डेवलपमेंट आप चाहते हैं योगेंद्र से पूछिए, किस तरीके का डेवलपमेंट ये चाहते हैं? मंदिर का वो भी अब हो गया है, इसके बाद में अब कौन सा मुद्दा लाएंगे? आपके यहाँ पर अब स्मार्ट सिटी का काम भी हो रहा है, मेट्रो भी बनी है। स्मार्ट सिटी जयपुर में बैटरी रिक्शाओं की कमी है, काफी परेशानी होती है ई रिक्शा से, आप बोलेंगे? देखिए फिलहाल लोग हैं यहाँ पर, योगेंद्र आपसे ये समझना चाहेंगे, योगेंद्र आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, योगेंद्र आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, योगेंद्र आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, मतदाताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और मतदाताओं में उत्साह भी है ये भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर उनसे ये भी पूछिए कि किन स्थानीय मुद्दों को लेकर वो आगे आ रहे हैं, किस प्रत्याशी को वो चुनना चाहते हैं और स्थानीय मुद्दे उनके क्या क्या हैं। देखिए अभी लोगों से बात नहीं थी, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि ये जो बड़ा चुनाव है, देश भर का चुनाव है, इसमें ज़्यादा स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन केवल अगर रोज़गार मिलते हैं क्योंकि, और विकास इस तरह के, क्योंकि जयपुर में जिस तरह के अभी कई ऑप्शंस हैं, जो स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है उसमें भी कई तरह के और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर यहाँ सफाई की अगर बात की जाए तो सफाई के लिए डोर टू डोर और तमाम यहाँ पर प्रक्रियाएं चलाई जाती है, लोगों से टैक्स भी लिया जाता है, उसके बावजूद भी समय पर सफाई नहीं होती, ये राजधानी जयपुर के मुद्दे हैं। हालांकि जो पूरा मुद्दा है वो ये लोकसभा चुनाव, पूरे देश भर के जो बड़े मुद्दे होते हैं, किस तरह से जो देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं देश हैं उनसे किस तरह के संबंध होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और अन्य क्या चीजें हो रही हैं, मेट्रो सिटीज में क्या विकास किए जाते हैं, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोग ये भी चाहते हैं कि अगर तरजीह विकास को दी जाती है ना कि और अन्य जो छोटे मुद्दे हैं उनको, तो लोग विकास और जो बेरोजगारी है उसे हटाकर रोजगार चाहते हैं, तो इस तरह से अगर इंडस्ट्री आती है तो भी लोगों को रोजगार मिलेगी, तमाम मुद्दे हैं जी। योगेंद्र आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस पोलिंग बूथ पर यहाँ पर मौजूद हैं, कितने फीसदी अभी तक मतदान हुआ है, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं और क्या लगता है कि कौन से प्रत्याशी के ऊपर मतदाता दाव लगा रहे हैं। देखिए फिलहाल मैं खड़ा हूँ जयपुर के सूरज पोल, जहाँ पर एक लंबी लंबी आप कतारें देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो मंजू शर्मा हैं, जिनके पिता
राजस्थान सरकार में पहले मंत्री रह चुके, कई बार यूडीएच मंत्री रहे हैं, भवनलाल शर्मा उनकी पुत्री हैं मंजू शर्मा जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पिछली सरकार गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं प्रताप सिंह खाचरे आवास, वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हालांकि यहां पर आज ईवीएम में दोनों ही प्रत्याशियों का जो भाग्य है, इसके अलावा भी अन्य प्रत्याशी हैं जो अन्य पार्टियों के हैं कुछ। हालांकि यहां जो मोटा जो आपस में यहां पर जो लग रहा है इस चुनाव में, वो मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहने वाला है। हालांकि ये भी माना जाता है कि ये जो पूरी सीट है वो अक्सर जयपुर शहर की जो सीट है बीजेपी की गढ़ मानी जाती है, लेकिन फिलहाल जनता का मानस है, जनता किसे अपना नेता चुनती है ये जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तब ही तय हो पाएगा। लेकिन आज फिलहाल सुबह 7 बजे से जयपुर में भी अन्य 12 सीटों के साथ जयपुर में भी वोटिंग चल रही है जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद योगेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।